Okay, so let's start with MongoDB. Okay, so first of all, MongoDB है क्या? MongoDB is a NoSQL database. So ये NoSQL database है. जैसे normally database की अगर हम बात करें तो database mostly जो थे हमारे वो किस type के होते थे? SQL based. तो मैक्सिमम जो हमारे डेटाबेस है वो एसक्यूएल बेस्ड होते हैं. एसक्यूएल में सीक्वल सर्वर, ओरेकल और MySQL मेन आपके पॉपुलर है, बट MongoDB इज बेस्ड ऑन नो एसक्यूएल. तो MongoDB हमारा नो एसक्यूएल पर चलता है, इट्स नॉट एसक्यूएल बेस्ड. एसक्यूएल क्या है एक्चुअल में हमारा? व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या है? नो एसक्यूएल क्या है? So SQL is structure query language. So SQL is a language, means it's a programming language to write queries for SQL databases. But जो हमारा database है ये SQL based नहीं है, it's no SQL. तो ये no SQL database है, so it's इसमें open source paid दोनों versions options हैं. तो इसमें open source भी हैं, paid versions भी हैं. और third चीज, इसमें आपको cloud based database मिलता है, which is Atlas. इट्स अ डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस. तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस कैसे चलता है? जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की तरह, की वैल्यू पेयर, जैसे कि ये. So this is how we store data in MongoDB. ये कौन सा फाइल फॉर्मेट है? JSON format. JSON format में data save करता है, जबकि SQL में data tabular structure में होता है. ये tabular structure नहीं है, okay? इसको हम document based database बोलते हैं, क्योंकि इसमें document का मतलब क्या है? A current, any object based on NoSQL. NoSQL क्या basically हमारी? ये एक programming language है जिसमें हमारे modern database का architecture बना हुआ है. तो मॉडर्न डेटाबेस लाइक MongoDB में नो एसक्यूएल यूज होते हैं. सो मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड ये क्लाउड बेस्ड सर्वर पे भी यूज होता है. MongoDB मेनली कहाँ यूज होता है? फॉर हाई वॉल्यूम, स्केलेबल एंड परफॉर्मेंस डेटाबेसेस. तो अलग अलग इसके वेरिएंट्स हैं, लेट्स सी एंड कंपेयर देम. तो डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस जो होता है, और डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड भी कहते हैं, जैसे कि MongoDB JSON का यूज करता है. तो MongoDB का काम क्या है बेसिकली? डॉक्यूमेंट डेटाबेस, मतलब नो एसक्यूएल का यूज करके डेटाबेस बनाना. MongoDB का यूज करते हैं कलेक्शन का इंस्टेड ऑफ टेबल्स. तो जैसे कि एसक्यूएल डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, हमारे इसमें क्या होते हैं? कलेक्शन. फिर हर डेटाबेस में कलेक्शंस में जैसे जिसमें टेबल होता है आपका, उसमें कलेक्शन होता है, और उसमें जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा वो कॉलम्स के नाम से होता है. तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ से डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस में हम लोग एक कलेक्शन बनाएंगे, और कलेक्शन के अंदर हमारा क्या होगा? डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इसको डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस भी कहते हैं. दिस इज द प्राइमरी की, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू. ये की, ये वैल्यूज है, इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं. यहाँ MongoDB का काम इज यूजिंग सिंगल डॉक्यूमेंट, जबकि SQL डेटाबेस में हम यही काम दो वे में करते हैं. कैसे? एक टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर का डेटा, और एक में उसके एड्रेस का सेपरेट डेटा, फिर हम ज्वाइन के थ्रू उसको मर्ज करते हैं. सो RDBMS में दो टेबल बनते हैं, जबकि यहाँ पे आपका एक ही टेबल बनेगा और उसी में सारा डेटा यूज हो जाएगा. सो इट्स स्केलेबल एक्चुअली. NoSQL, MongoDB कौन सा डेटा यूज करता है? मैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज करता है, इट्स कॉल्ड NoSQL. NoSQL का एक्चुअल फुल फॉर्म होता है नॉट ओनली SQL. NoSQL का मतलब ये नहीं कि SQL नहीं है या नॉन SQL नहीं है, इट मींस नॉट ओनली SQL. तो नॉट ओनली SQL मतलब क्या है? कि इट्स एक्चुअली में NoSQL सपोर्ट करता है दोनों टाइप के डेटा को, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को. SQL किस टाइप के डेटा को सेव करता है, मींस यूज करता है? SQL में स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड? स्ट्रक्चर डेटा होता है. स्ट्रक्चर डेटाबेस कैसे काम करते हैं? रिलेशनल बेसिस, टेबल पे. सो बेसिकली टेबल बेस. इन शॉर्ट, अगर मुझे एक प्रोडक्ट में एक्सपायरी ऐड करनी पड़ जाए तो मुझे बाकी सारे प्रोडक्ट्स में भी क्या करना पड़ेगा? सपोज एक टेबल में मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स में एक्सपायरी डेट ऐड करनी है. नॉर्मली जैसे मोबाइल्स की तो एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन सपोज इसमें एक लेट्स से टूथपेस्ट थी और टूथपेस्ट की एक्सपायरी डेट सेट करनी पड़ी थी मुझे, तो मुझे अपने डेटाबेस के कलेक्शन में क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे हर प्रोडक्ट में जाके एक्सपायरी डेट मेंशन करनी पड़ेगी. बट NoSQL ऐसे काम नहीं करता. NoSQL कहता है कि अगर ये एक प्रोडक्ट की वैल्यू है, आप उसी में ऐड करो, बाकियों को टच करने की जरूरत नहीं है. सो दिस द एडवांटेज ऑफ यूजिंग NoSQL. बट SQL और NoSQL में NoSQL का बेनिफिट क्या है कि NoSQL सपोर्ट करता है दोनों को, स्ट्रक्चर्ड को भी और अनस्ट्रक्चर्ड को भी. इन शॉर्ट, आप इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बना सकते हो एक ही प्रोडक्ट जिसमें सारी की वैल्यू होंगी, और अनस्ट्रक्चर भी बना सकते हो, मींस एक प्रोडक्ट में एक चीज है बट वो बाकियों में नहीं होगी. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग NoSQL. सो इट्स नॉट ओनली SQL, इट इज यूज्ड टू बेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस, जैसे कि एक तो MongoDB है,
काउच डीबी है, रेडिस है, ओरेकल का नो एसक्यूएल, तो ये कुछ पॉपुलर नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस है। कई ब्लॉग्स में इसको नॉन एसक्यूएल बोला जाता है, बट इसका एक्चुअल मतलब होता है नॉट ओनली एसक्यूएल। ये भी कहते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेस के लिए नहीं है, बट एक्चुअल में ऐसा कहना गलत है। ये एक्चुअल में दोनों टाइप के डेटाबेस के लिए है, स्ट्रक्चर्ड के लिए भी एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटाबेस पे काम करता है। तो नो एसक्यूएल वाज डेवलप इन 2000 और इसका मेन फोकस किस पे होता है, स्केलेबिलिटी पे, परफॉर्मेंस एंड सम सिंपलिसिटी। लेट्स सी सम कंपैरिजन बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। एसक्यूएल डेटाबेसेस में हमारे कौन कौन से पॉपुलर आते हैं, ओरेकल एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, मारिया डीबी और एमएस एसक्यूएल, ठीक है, दे ऑल आर रिलेशनल डेटाबेसेस। जबकि नो एसक्यूएल डेटाबेस में जैसे कि हमारा मोंगो डीबी है, दे ऑल आर नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इनकी स्कीमास प्री डिफाइंड होती हैं, इसमें डायनेमिक स्कीमास होती हैं। तो जब हम डेटा डिफाइन करते हैं इसमें फिक्स नहीं होता, जैसे कि हम जावा से में वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप नहीं डिफाइन करते, वैसे ही नो एसक्यूएल में होता है। मीन्स आपने की डिफाइन कर दी, उसकी वैल्यू जो है वो नंबर या स्ट्रिंग दोनों में से कुछ भी हो सकती है। रिलेशनल डेटाबेस में ऐसा नहीं होता, नॉन रिलेशनल में ऐसा हो सकता है। जो ये बेस होता है ये टेबल पर चलता है और ये चलता है डॉक्यूमेंट पे, तो डॉक्यूमेंट मतलब की वैल्यू बेस पे, और इवन ग्राफ की वैल्यू डॉक्यूमेंट या ग्राफ। स्केलेबिलिटी में ये वर्टिकल चलते हैं, वर्टिकल मीन्स टॉप से बॉटम, ये हॉरिजॉन्टल चलते हैं। कैसे, अगर आपको इस डेट एड्रेस में सिटी और पिन, सिटी को भी एक्सप्लेन करना पड़े कि सिटी कहाँ कौन सी स्टेट की, तो आप इसको और हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे। ये बॉटम से वर्टिकल स्केल नहीं करते, ये हॉरिजॉन्टल स्केल करते हैं। एसेट सपोर्ट क्या होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। सो एसक्यूएल ये सपोर्ट करता है, नो एसक्यूएल में ये सपोर्ट नहीं है, बट मोंगो डीबी ये सपोर्ट करता है। जॉइंस रिक्वायर्ड इसमें होते हैं बट कंपलसरी नहीं है। डेटा टू ऑब्जेक्ट मैपिंग के लिए एसक्यूएल में यूज होता है ORM का, जैसे कि ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग का, तो API बनाने के लिए ये यूज करते हैं। मोंगो डीबी में इसकी जरूरत नहीं है, बट हम स्टिल ODM यूज करेंगे। इसमें ORM होता है और हमारी लैंग्वेज में ODM होता है, जैसे कि आपका मोंगूस, तो मोंगूस क्या है हमारा, तो ODM ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर। ओके, नाउ सम कॉमन टर्म्स जो कि डेटाबेसेस से रिलेटेड होती हैं, सो दैट किसी को एसक्यूएल आता हो तो वो नो एसक्यूएल को इजीली समझ सके। एसक्यूएल और मोंगो डीबी में मींस एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस और नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस लाइक मोंगो डीबी में डेटाबेस को डेटाबेस ही कहते हैं। यहाँ टेबल की जगह कलेक्शन यूज होता है, मीन्स हम एक डेटाबेस बनाएंगे उसमें हम कलेक्शंस बनाएंगे और कलेक्शंस में क्या बनाएंगे, डॉक्यूमेंट। जैसे कि सी मेरे सिस्टम में मोंगो डीबी इंस्टॉल है, सो ऑल आई नीड टू, मुझे इसका CLI कॉल करना है मोंगो। वन सेकेंड, ओके, आई थिंक मेरा डेटाबेस रीस्टार्ट हुआ है। तो इन द न्यू macOS वर्जन आपको हर बार पाथ बताना पड़ता है, क्योंकि डिफॉल्ट मैक लेटेस्ट वर्जन्स में ना डायरेक्टरी का पाथ चेंज हो गया है। ओके, सो नाउ मैं डेटाबेस रनिंग, ये मैंने नीचे कमांड दे रखी है macOS की। अगर कैटलिना और क्या नाम है, बिग सर है, तो बाकियों के लिए नहीं, पुराने वर्जन में तो डायरेक्ट चल जाता था। ओके, सो अगर ये डेटाबेस मेरा चल रहा है तो आई नीड टू टाइप मोंगो। तो मोंगो मेरा क्या है, CLI क्लाइंट, सी, और DB से मेरे डेटाबेस का नाम आ रहा है। सो द डिफॉल्ट डेटाबेस इज टेस्ट, शो DB इस कमांड मुझे दिखा रहा है कि टेस्ट डेटा इसमें कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं। तो मेरे पास एडमिन है, कन्फिग है, लोकल है, नोड है, पिन कोड है। आपको अगर कंसोल के अलावा GUI चाहिए इसका, सो वी हैव मोंगो GB कंपस। इस GUI फॉर मोंगो डीबी, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे सारे डेटाबेसेस जितने बने हुए हैं, जैसे कि दिस इज एडमिन, कन्फिग, दिस इज लोकल, और ये एक नोड है, और एक पिन कोड का मैंने डेटाबेस बना रखा है उनके लिए। तो पिन कोड है, पिन कोड में यूजर्स भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दो यूजर बना रखे हैं, एडमिन एंड अवी, ठीक है। वी हैव अनदर डेटाबेस जिसमें नोड, जिसमें हमारे पास कार्स हैं और पिन कोड है, जैसे पिन कोड में पिन्स हैं, तो ये सारा का सारा डेटा पिन कोड्स का है, इंडियन पिन कोड्स का। दिस इज द प्राइमरी की, ये इनकी स्ट्रिंग्स हैं, पिन कोड इंटीजर है, नंबर है। दिस इज तालुक विच इज स्ट्रिंग, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट विच इज स्ट्रिंग, देन वी हैव स्टेट नेम। यहाँ पे मेरे पास 154,000 एंट्री हैं, मतलब इतनी सिटीज हैं जिनके मेरे पास पिन कोड अवेलेबल है। ओके,
सो लेट्स सी, कंपेयर करते हैं। तो इसमें डेटाबेस को डेटाबेस बोलते हैं, तो जैसे हमारा जो डेटाबेस है वो डेटाबेस के नाम से ही चलेगा। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे क्या है, डेटाबेस। अगर आपको यहां से डेटाबेस ऐड करना हो, यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस बाय क्लिक ऑन दिस, तो यहां से आप डेटाबेस को भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहां से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये डेटाबेस के लिस्ट है, इसमें आपकी परफॉर्मेंस वगैरह के सारी चीजें राइट हैंड साइड पे दिखा रहे हैं। आप टेस्ट कर सकते हो कि क्वेरीज फास्ट चल रही है स्लो, बिल्ड इन इसमें। देन मैंने क्लिक किया नोड, नोड मेरा डेटाबेस है। इसमें दो कलेक्शन है, किस किस नाम से, कार्स एंड पिन कोड। तो कार एक कलेक्शन है जिसमें मेरा डेटा है। हर कलेक्शन में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होगा, तो डॉक्यूमेंट क्या है मेरा, दिस, जैसे ये, तो ये मेरी एक डॉक्यूमेंट है इसकी। तो इट्स दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट डेटाबेस। तो ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस में आता है। लेकिन आप देख सकते हो है तो ये टेबुलर स्ट्रक्चर ना, सी, तो ये टेबुलर स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ डेटा ऐसा हो सकता है जो किसी एक का है बाकियों का नहीं है, जैसे कि ये डबल अंडरस्कोर वी या फिर रेटिंग। अब रेटिंग मैंने एक को दी बाकियों को नहीं दी, लेकिन ये चलेगा क्योंकि नो एसक्यूएल को ये फर्क नहीं पड़ता, जबकि एसक्यूएल में ये फिर क्वेरीज काम नहीं करती। तो एसक्यूएल में क्या है, आपको सभी को देना पड़ता है, यहाँ पे सभी को हमने नहीं दे रखा। ओके, सो डेटाबेस इसमें भी डेटाबेस के नाम से होता है। टेबल्स को इसमें कलेक्शंस कहते हैं, और रो को इसमें क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम। रो में जो कॉलम्स होते हैं उसको हम इसमें फील्ड्स कहते हैं, ठीक है। इंडेक्स इंडेक्स है। जॉइन के लिए इसमें लुकअप होता है हमारा डॉलर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये कमांड क्या करती है हमारी एसक्यूएल में, एक टेबल का सारा डेटा प्रिंट कर देती है। तो एक टेबल में जितना डेटा होगा वो उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। और यही काम नोड एसक्यूएल में करता है, db.collections.find। तो db क्या है मेरा, डेटाबेस। कलेक्शन यहाँ पे क्या है, टेबल, माय टेबल। तो सी, ये तो मेरा GUI है, गो टू टर्मिनल, और मैंने टाइप किया डीबी। तो मेरा करंट डीबी कौन सा सिलेक्टेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोंगो कमांड, और मेरा डीबी सिलेक्टेड टेस्ट। मुझे टेस्ट का सारा डाटा चाहिए, तो मैंने कहा डीबी और इसमें लिखा शो कलेक्शंस। तो मेरी इसमें कलेक्शन का नाम क्या आ रहा है, इसमें कोई कलेक्शन नहीं है। ओके, तो शो डीबी में मुझे डेटाबेस के नेम नोड, मुझे नोड डेटाबेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, डेटाबेस का नाम नोड, सॉरी यूज नोड, यूज नोड। तो स्विच टू कौन से डेटाबेस पे आ गया है, नोड पे। अब डीबी का नाम देखो मेरा क्या रहा है, नोड। फिर मैंने कहा शो कलेक्शंस। आप ये काम जीयूआई से भी कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास कंपस है तो यहाँ से भी कर सकते थे, बट कमांड्स बेटर रहती हैं। तो मैंने शो कलेक्शंस किया, तो मुझे इसमें कार्स एंड पिन कोड दिख रहा है। अब मुझे इसमें पिन कोड का डेटा चाहिए, तो डीबी डॉट कलेक्शन का नाम क्या है, कार्स। में सारा डेटा चेक करना तो डॉट फाइंड यूज करो। सी, ये सारा का सारा कार्स का डेटा मेरा शो हो रहा है इन जेसन फॉर्मेट। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम में यहाँ क्या यूज करेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन में कलेक्शन का नाम, एंड देन फाइंड। फाइंड क्या करेगा, सारा डेटा फाइंड करेगा। आपने लिखा एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टार एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम जिसका नाम ये है, तो यहाँ पे डीबी डॉट कलेक्शन डॉट, इसमें लिमिट वन है, तो यहाँ पे फाइंड वन आएगा। फाइंड मीन्स ऑल, फाइंड वन मीन्स द फर्स्ट वन। आपको डेटाबेस क्रिएट करना था, तो आपने कहा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय जिसमें नेम वेर कैर है और इसकी लिमिट 100 है। इसमें क्या होता है, डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन जिसमें एम्प्लॉय होगा। आपने डिफाइन किया कि ये एम्प्लॉय है, लेकिन इसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया। और इंसर्ट करने के लिए जैसे आपने यहाँ लिखा इंसर्ट इन टू एम्प्लॉयज वैल्यूज, फर्स्ट अवी विच इज वेर कैर, और 212 मेरा क्या है, इंट, मतलब इंटीजर। इसमें आपने लिखा डीबी डॉट एम्प्लॉयज डॉट इंसर्ट, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट बना के नेम इज अ स्ट्रिंग और आईडी इज अ नंबर, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्वेरीज कौन सी लैंग्वेज में है, ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में जिसमें ये क्वेरीज लिखी गई हैं, जैसे डीबी डॉट एम्प्लॉयज डॉट इंसर्ट, इंसर्ट इज अ फंक्शन, या मैथड, मैथड में हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया आर्गुमेंट। तो नो एसक्यूएल के क्वेरीज किस लैंग्वेज पे बेस्ड हैं, जावा, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जबकि ये एसक्यूएल बेस्ड हैं। सो इन शॉर्ट, एक पीएचपी डेवलपर को पहले एसक्यूएल सीखनी पड़ती है,
ठीक है, एक पाइथन डेवलपर को भी एसक्यूएल सीखनी पड़ती है, क्योंकि एसक्यूएल की लैंग्वेज ये एसक्यूएल लैंग्वेज है, ये कोई नई लैंग्वेज नहीं है, इट्स द सेम जावास्क्रिप्ट जो हम ऑलरेडी यूज करेंगे। तो डॉट नोटेशन से हम यूज करेंगे, फंक्शंस को कॉल करेंगे और उसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे, तो स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोंगो डीबी ओवर ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस डेटाबेसेस? हम लोग आरडीबीएमएस डेटाबेस में एक चीज सबसे अच्छी ये होती है कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं। मोंगो डीबी एक्चुअल में स्केलेबिलिटी के लिए होता है, तो मोंगो डीबी इज अ स्केलेबल डेटाबेस, ठीक है। और कुछ वर्जन मोंगो डीबी के, जैसे कि जो प्रीमियम वर्जन है, वो इन मेमरी डेटाबेस यूज करते हैं, तो वो परफॉर्मेंस में काफी अच्छे हैं। द एडवांटेज ऑफ मोंगो डीबी ओवर आर डी बी एम एस इज दैट मोंगो डीबी इज डॉक्यूमेंट बेस्ड, स्कीमा लेस, फास्ट एंड स्केलेबल, ठीक है। तो कैसे ये काम करता है, मोंगो डीबी सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, मीन्स हमारा डेटा कलेक्शन डॉक्यूमेंट में होगा। स्कीमा लेस होता है, तो जावास्क्रिप्ट की तरह है, मतलब लूजली टाइप होते हैं इसमें डेटा टाइप्स, तो इसमें ना ही लेंथ डेटा टाइप देना पड़ता है, ना ही लेंथ देनी पड़ती है कि कितने करेक्टर्स होंगे, देर इज नो लिमिट, तो स्केलेबल है। स्केलेबल वेरी इजी टू स्केल होते हैं। जो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होते हैं, इनका जो डेटा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, जेसन। तो ये जेसन या फिर बी एस ओ एन, जेसन तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, और बी एस ओ एन क्या होता है, बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, बाइनरी का डेटा भी सपोर्ट करते हैं। ज्वाइन सपोर्ट बट दे आर नॉट कंपल्सरी, दे हैव अ वेरी पावरफुल क्वेरी लैंग्वेज और दे हैव फुल एसिड ट्रांजिशंस। कमांड्स की बात की जाए, मोंगोड, जब आप, जैसे कि मैंने जब अपना सिस्टम स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले आपने देखा मैंने यहाँ पे मोंगोड स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब मेरा जो मोंगो डीबी का सर्वर है वो उसकी सर्विसेज अभी बंद पड़ी हुई हैं। तो हम मोंगोड कमांड का यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, अपने मोंगो डीबी सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। विंडोज़ में एक्चुअल में आपको ये नहीं करना पड़ता, क्योंकि विंडोज़ में अगर आप मोंगो डीबी को एज अ सर्विस इंस्टॉल करो, तो सिस्टम स्टार्ट होते ही मोंगो डीबी का मोंगोड जो होता है वो चल जाता है, तो आपको सिर्फ मोंगो लिखना पड़ता है, उसके बाद आपके सर्विसेज खुद ही स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो मोंगोड क्या होता है, मोंगो डीबी का सर्वर। तो ये मोंगो डीबी के सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, जैसे अभी मेरा मोंगो डीबी सर्वर बैकग्राउंड में चल रहा है, तो मुझे सिर्फ मोंगो लिख के इसको सी एल आई में कंसोल में रन करना है, सी। लेकिन अगर मैं मैकबुक को अपनी रीस्टार्ट करूँ, तो फिर मोंगो लिखने से मेरा डेटाबेस नहीं चलेगा, तो इन दैट केस मुझे मोंगो लिखना पड़ता है। और जो मैक के प्रीवियस दो वर्जन हैं, एक तो बिग सर जो मैं यूज कर रहा हूँ, और एक कैटलिना, इनमें एक्चुअल में फाइल्स का भी इशू है। जैसे दिखाता हूँ क्या इशू है, मोंगो डीबी का जो डेटा था वो हमेशा सेव होता था यूजर स्लैश लोकल में, ठीक है। तो जो ये डायरेक्टरी जो थी ना, ये यूजर स्लैश लोकल थी, लेकिन अब जो मैक ओएस लेटेस्ट आ गया है कैटलिन एंड बिग सर, इसमें एप्पल का ने अपना फाइल सिस्टम को सिक्योर कर दिया है, तो इस रीजन की वजह से आप अपने डिफॉल्ट उसी करंट डायरेक्टरी में डेटा को टाइप नहीं कर सकते हो, सी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरा सिस्टम है, तो मेरा एडमिन, ये एडमिन है, तो इस डायरेक्टरी में हम लोग यहाँ राइट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी और उसके अंदर अपना डेटा राइट करना पड़ेगा। तो ये डेटा डेटा डॉट डीबी, इसके अंदर फिर वो डायरेक्टरी में डेटा को इंसर्ट करके देता है, तो हमें डायरेक्टरी का पाथ चेंज करना पड़ता है। उसके लिए भी कमांड सिंपल है, मैं हर बार रीस्टार्ट करने के बाद सूडो मोंगोड डेटाबेस पाथ को सेट कर देता हूँ कि मोंगो डीबी इसका पाथ है, ठीक है, और इसका वन टाइम भी सेव कर सकते हो। तो सी, एक पाथ बना रखा है मैंने अपने डेटाबेस के लिए, बट सिर्फ लेटेस्ट मैक ओएस का इशू है, और ये चलेगा ही चलेगा, मतलब एप्पल ने फाइल सिस्टम को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए ये ऐड कर दिया है। सो मोंगोड से आपका डेटाबेस सर्वर स्टार्ट होगा, और मोंगो से आप उसके क्लाइंट का यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप इसको कंसोल में यूज कर सकते हो, ठीक है, कंसोल में यूज कर सकते हो, दूसरा आप इसको जीयूआई में यूज कर सकते हो। तो ये इसका जीयूआई है, मोंगो डीबी कंपस, अगर आपने मोंगोड नहीं टाइप किया हुआ, मतलब आपका डेटाबेस सर्वर नहीं स्टार्ट हुआ, आप यहाँ पे कनेक्ट क्लिक करते रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप कनेक्ट क्लिक करते हो, तो एक्चुअल में जो क्लाइंट है वो मोंगो कमांड को रन करता है, बट अगर मोंगोड, अगर आपका डेटाबेस सर्वर चल रहा है, तो ही आपकी मोंगो कमांड चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी, ठीक है। वैसे विंडोज में इतना इशू नहीं आता, वो उसको आप एज अ सर्विस इंस्टॉल कर लो, तो सिस्टम स्टार्ट होने के साथ ही वो कमांड आपकी बैकग्राउंड में एक सर्विस की तरह चलती रहती है। सो मोंगोड डेटाबेस सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, मोंगो क्लाइंट के लिए, ठीक है, शो डीबीज अवेलेबल डेटाबेस को दिखाने के लिए, यूज डेटाबेस का नाम तो करंट डेटाबेस को चूज करने के लिए, शो कलेक्शन कलेक्शन को नाम दिखाने के लिए, डीबी करंट डेटाबेस का नाम चेक करने के लिए, हेल्प के लिए डीबी डॉट जो भी माई डीबी डॉट हेल्प, तो उसकी हेल्प दे देगा, और डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस उस डेटाबेस को डिलीट कर देगा।
ठीक है, इसमें जो बैकअप वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे सपोज मेरे पास एक डेटाबेस है लोकल पिन कोड, पिन कोड में मेरे पास डेटा किसका है? यूजर, ये यूजर का डेटा है, मुझे इसका बैकअप लेना है। तो मेरे पास यहाँ देखो कितने यूजर्स हैं, एक है एडमिन जिसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, और एक है अवी जिसका पासवर्ड है 6 5 4 3 2 1। तो सपोज ये मेरे यूजर्स हैं और मुझे इनका डेटा बैकअप में लेना है, तो बैकअप लेने के लिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, वन सेकेंड सॉरी, हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूजर्स को। तो ये पूछ रहा है कि किसको, मैंने कहा फुल कलेक्शन को, सेलेक्ट फील्ड्स, तो प्राइमरी की को छोड़ के आपने कहा पूरा डेटा सेव कर दो, तो यूजर नेम और पासवर्ड को आउटपुट दे देना। किस फॉर्मेट में, जेसन में या एक्सेल में? जेसन में। आउटपुट कहाँ पे है? मैंने चूज किया लेट्स से डेस्कटॉप पे। तो यूजर डॉट जेसन के नाम से एक फाइल बन जाएगी। सी दिस, सो गॉट दिस यूजर डॉट जेसन फाइल। सी इसमें आपका ये डेटा आ रहा है, तो ये डॉट जेसन क्या है, मेरा यूजर का डेटा। ठीक है, दिस इज माई डेटा। तो आपके जो बैकअप्स होते हैं वो भी रीडेबल होते हैं। सी आप इसको वी एस कोड में ओपन करके एडिट कर सकते हो या टेक्स्ट एडिट का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एक और दोबारा इसमें कलेक्शन ऐड करनी पड़ जाए, जैसे कि ये मेरा पिन कोड है, पिन कोड में मैंने एक नई कलेक्शन ली एडमिन, तो मैंने सिर्फ एडमिन नाम से इसमें एक कलेक्शन बनाई, मुझे बैकअप डेटा इसमें ऐड करना है, तो क्लिक ऑन ऐड डेटा। इसमें आ रहा है हमारा इंपोर्ट फाइल, हमने पाथ चूज किया, जेसन में इग्नोर एम्प्टी स्ट्रिंग और इंपोर्ट कर दिया, इट्स डन। तो सी एडमिन में आपके पास कुछ डेटा बन के आ गया। सी तो इस टाइप से हम इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हैं। तो MongoDB इज एक्चुअली क्वाइट यूजर फ्रेंडली, बहुत इजी टू यूज है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो एक्चुअली में सिर्फ मैक ओएस में ही करता है, वो भी लेटेस्ट वर्जन में, क्योंकि एप्पल ने जो मींस पाथ है वो चेंज कर दिया है। डिफॉल्ट डायरेक्टरी में आप MongoDB डेटाबेस को सेव नहीं कर सकते। दीज आर सम कॉमन कमांड्स, जैसे मुझे अगर कंसोल में डेटाबेस रन करना है, मैंने एग्जिट किया और न्यू क्लाइंट चाहिए मुझे, तो मैंने टर्मिनल में जाके, या फिर इवन यू कैन डू वन थिंग, आप इसको वीएस कोड में रन कर सकते हो। वीएस कोड में एक एक्सटेंशन भी आता है, तो जैसे ये मेरे पास ऑलरेडी, मुझे यहाँ पे अगर डेटाबेस रन करना है, सो आई कैन टाइप मोंगो क्लाइंट। तो मोंगो क्लाइंट लिखते ही क्या होगा, मेरा डेटाबेस सर्वर स्टार्ट, डीबी में डेटाबेस का नाम शो डीबीज, तो डीडी डेटाबेस का नाम। फिर मैंने कहा यूज़ करो किसको, नोड को, या फिर यूज़ करो पिन कोड को, तो पिन कोड डेटाबेस आ गया। डीबी मींस मेरा डेटाबेस का नाम विच इज पिन कोड। शो कलेक्शन, तो डीबी में दो कलेक्शंस हैं, पिन एंड यूजर, मुझे यूजर चाहिए, तो मैंने कहा डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड, तो फाइंड क्या करेगा, मुझे उसमें सारा डेटा पास करके दे देगा। मुझे सिर्फ नेम चाहिए, तो डीबी में मैंने कहा नेम जिसका क्या हो लेट्स से अवी, तो वो मुझे पर्टिकुलरली वही डेटा दे देगा। ठीक है, अगर आपको डेटा को इसमें एक्सेस करना है वीएस कोड में ही, मीन्स यू डोंट वांट अ सेपरेट जीयूआई, आप इसी में ही एक्सेस करना चाहते हो, तो डू वन थिंग एड अ एक्सटेंशन। तो आप इसमें एक एक्सटेंशन डाल सकते हो, नाउ डू वन थिंग, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ठीक है, और क्लिक कर दो इसको। दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज माई एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करो, एड कनेक्शन, डिफॉल्ट पाथ ही दिया क्या, वन सेकेंड,
वन सेकेंड, तो डिफॉल्ट हमारा होस्ट नेम लोकल होस्ट होता है, पोर्ट नंबर 27017 होता है, ऑथेंटिकेशन मैंने अभी नहीं दे रखी, तो वन सेकेंड, ये डिफॉल्ट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है इससे? ओके ये रहा, तो सी अभी जनरल में स्टैंड अलोन है हमारा, ठीक है, लोकल होस्ट 27017, ऑथेंटिकेशन अभी है नहीं, तो कनेक्ट करोगे, ओके नाउ इट्स कनेक्टेड, ठीक है, तो ये आपके डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। सी आपको कौन सा डेटाबेस चाहिए था इसमें, इट्स ए पिन कोड, पिन कोड पे क्लिक करो, कौन सा कलेक्शन थी, यूजर, यूजर में ये मेरा डॉक्यूमेंट है, तो ये मेरी फर्स्ट, ये मेरा सेकंड डेटा है, तो आप इसको वीएस कोड में भी इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो वेयर इज द यूजेज ऑफ मोंगो डीबी, मोंगो डीबी कहाँ कहाँ पे बेस्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बेस्ट फॉर बिग डेटा, तो बिग डेटा के लिए ये सबसे बेस्ट है, सी डी एन, कंटेंट डिग्री मैनेजमेंट के लिए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जहाँ पे भी होंगे, रियल टाइम एनालिसिस जैसे कि वेदर वगैरह हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, मोबाइल एप्स या फिर वेब एप्स, दीज कंपनीज आर यूजिंग डेटा बेसिस मोंगो डीबी को, तो फेसबुक है, गूगल, एडोबी। द नेक्स्ट स्टेप विल बी द इंस्टॉलेशन ऑफ मोंगो डीबी, सो पूरी की पूरी मैंने इसमें गाइडलाइंस दे रखी है हाउ टू इंस्टॉल मोंगो डीबी, तो मोंगो डीबी इज अवेलेबल, तो सबसे पहले अगर आप इफ यू ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट, तो मोंगो डीबी आपके अवेलेबल है क्लाउड बेस या फिर सॉफ्टवेयर बेस, क्लाउड बेस में यू हैव एटलस जो कि आपको फ्री एंड पेड दोनों देता है, सो इफ यू वॉन्ट अ फ्री अकाउंट तो यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट फ्री, आप अपनी गूगल आई डी से यहाँ लॉग इन कर लो, अप टू 500 MB तक आप इसमें फ्री यूज कर सकते हो, सी द प्राइजिंग फॉर क्लाउड, क्लाउड डेटाबेस में सर्वर आपका नहीं होगा, मींस ये रिमोट कहीं पे कनेक्टेड होगा आईपी के थ्रू, और आपको बस आईपी के क्रेडेंशियल्स पता होंगे, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने डेटाबेस को, इन शॉर्ट आपका जो डेटाबेस सर्वर है वो आपके लैपटॉप में नहीं है, वो कहीं रिमोट पड़ा हुआ है, तो आप उसको बस अपनी ऐप से कनेक्ट कर सकते हो, एक्सेस आप उस एक्सेस उसकी पूरी आपके पास होगी। इफ यू ऑप्ट फॉर द शेड वन, ये फ्री अवेलेबल है, फ्री फॉर एवर फॉर M0 क्लस्टर है इसका नाम, 512 MB से लेकर अप टू 5 GB ये फ्री देते हैं, शेयर्ड रैम और एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है इनकी, बिल्ट इन GUI भी होता है इसमें। नेक्स्ट इसके जो प्लान आते हैं डेडिकेटेड, इफ यू वांट डेडिकेटेड सर्वर तो $57 पर मंथ से दे आर स्टार्टिंग, जिसमें 10 GB से इतनी स्टोरेज होती है, दिस इज फॉर मल्टी रीजन, मीन्स अलग अलग डेटा सेंटर्स पे स्टोर करना हो, तो $95,000 पर मंथ से इनकी स्टार्टिंग है। बट अगर आपको प्रीमाइसिस में मीन्स इंस्टॉलेशन के साथ चाहिए, तो ऑन प्रीमाइसिस में दो ऑप्शंस हैं, एक तो आपका होता है एंटरप्राइज और एक होता है, तो इसी द सॉफ्टवेयर, एक होता है कम्युनिटी सर्वर जो कि फ्री है और एक होता है एंटरप्राइज, जो आपको इंस्टॉल करना है दैट इज द कम्युनिटी वर्जन, ये वाला जैसे मेरे सिस्टम में कम्युनिटी चल रहा है, तो यहाँ पे आपके OS का वर्जन मैक वाला है, विंडोज या लिनक्स, और आप उसके पैकेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कम्युनिटी सर्वर इनका फ्री एट ओपन सोर्स सर्वर है, लेकिन इससे जो फार बेटर आता है वो आता है आपका एंटरप्राइज, तो एंटरप्राइज में आपके एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं, इन मेमोरी स्टोरेज इंजन होता है, एडवांस सिक्योरिटी होती है, और एनक्रिप्टेड स्टोरेज इंजन होता है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा फास्ट है क्योंकि ये इन मेमोरी मीन्स रैम पे डेटाबेस इंजन को रन करता है। तो अभी आप प्रैक्टिस के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड द कम्युनिटी सर्वर, और इसके साथ आपको एक डाउनलोड एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, कंपस जो कि इसका GUI है। स्टेप्स मैंने दे रखे हैं, तो MongoDB इज अवेलेबल फॉर बोथ क्लाउड एंड सेल्फ मैनेज, क्लाउड के लिए एटलस और सेल्फ मैनेज में कम्युनिटी एंड एंटरप्राइज, दिस इज कम्युनिटी वर्सेज एंटरप्राइज, कम्युनिटी इज फ्री, एंटरप्राइज इज पेड, इसके चार्जेस वेबसाइट पर नहीं लिखे, वो यूसेज के अकॉर्डिंग आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा सेल्स टीम को।
दिस इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दोनों में है, लेकिन इसमें इन मेमोरी स्टोरेज इंजन नहीं होता जो कि इसमें होता है. एनक्रिप्टेड स्टोरेज इंजन नहीं है इसमें है. दे हैव एडवांस सपोर्ट, एडवांस सिक्योरिटीज एंड द लेटेस्ट फीचर. और विद मोंगो डीबी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कंपस, विच इज दिस वन, मोंगो डीबी का GUI. देन द इंस्टॉलेशन सेटअप्स जो कि अलग अलग OS में अलग अलग होंगे. सो मोंगो डीबी सपोर्ट करता है मैक OS 10.11 एंड अबव. मैक में इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक तो आप सीधा इनकी बाइनरीज को डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा होम ब्रू के थ्रू. तो ये आपका पहला वे है होम ब्रू. तो आपको टैप ब्रू टैप मोंगो डीबी ब्रू को पहले अपडेट करके देन उसमें मोंगो डीबी का कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करना है. अभी 4.4 चल रहा है. हाँ 4.4 चल रहा है ठीक है. और इसको रन करने के लिए दीज आर द कमांड्स. लेकिन और दूसरा होता है .tgz.torvald से. इसमें आपको बाइनरीज की फाइल मिलती है तो मोंगो डीबी को डाउनलोड करो और अपने बिन बाइनरीज के फोल्डर में जैसे कि user.local.bin में आप अपनी उन बाइनरीज को पेस्ट कर दो. जैसे मेक डायरेक्टरी डेटा डीबी और उसमें परमिशन चेक करके आप उनको उसमें भी रन कर सकते हो. तो यहाँ तो पहला तरीका ये आप ये यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको ब्रू के थ्रू इंस्टॉल करना है पैकेज मैनेजर के थ्रू, या फिर आप tgz.torvald के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो इन मैक ओएस. और मैक ओएस कैटलिना के लिए क्या है आपका कि आपको टर्मिनल में डायरेक्टरी का पाथ चेंज करना पड़ता है. उसके लिए ये मैंने कमांड शॉर्टकट दे रखी है दिस वन. तो ये आपकी डायरेक्टरी है यूजर की, जैसे ये मेरी डायरेक्टरी है तो उसमें मुझे मोंगोडीबी नाम की डायरेक्टरी बना के उसका पाथ सेट करना पड़ेगा ताकि डेटाबेस उसमें चले. क्योंकि इस डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी नहीं चल सकता, वो परमिशन नहीं रही लेटेस्ट वर्जन में. तो ये कौन कौन से मैक ओएस के लिए, फॉर कैटलिना एंड बिग सर. विंडोज़ का इंस्टॉलेशन आपका इस सिंपल है. सो जस्ट यू नीड टू डाउनलोड द zip फाइल, इसकी जो आती है MSI होता है इसका एक्सटेंशन. इसको इंस्टॉल करना है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टेप्स. उसमें मोंगो डीबी को आपको चूज कर सकते हो एज अ सर्विस. अगर आप सर्विस चूज करोगे तो आपको मोंगो डीबी को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा. या फिर दूसरा ऑप्शन होता है जस्ट इंस्टॉल बाइनरीज, देन इंस्टॉल योर मोंगो डीबी और एक डायरेक्टरी बना लो data/db सी ड्राइव में जो कि डिफॉल्ट OS होगा, उसको स्टार्ट कर लो. सो यहाँ पे आपको मोंगो लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपका मोंगो डीबी का सर्वर भी स्टार्ट हो जाएगा. सेटअप आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स. अब आप टर्मिनल से मोंगो डीबी को स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट टर्म आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी सेटअप करने पड़ते हैं. तो विंडो 10 में कंट्रोल पैनल सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम एंड देन चूज एडवांस सिस्टम सेटिंग्स और उसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके आपको अपना बाइनरीज का पाथ देना पड़ेगा कि data/db जो है वो मेरा बाइनरीज का पाथ है, ताकि आपकी जो वहाँ पे क्योंकि जो बाइनरीज होती हैं वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में पड़ी होती हैं. तो आप जब टर्मिनल रन करोगे CMD रन करोगे तो बाइनरी का पाथ दे देना. दिस इज फॉर लिनक्स. तो उसमें अलग अलग OS पे किस किस पे क्या सपोर्ट है एंड हाउ टू इंस्टॉल ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है. सो फॉर टुडे आपको मोंगो डीबी को इंस्टॉल करना है सो दैट हम नेक्स्ट सेशन से विल स्टार्ट द क्रूड ऑपरेशन विद मोंगो डीबी. तो क्रूड ऑपरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ओके okay?